मैं कालचक्र हूँ। सदियों से महापुरुषों, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, देवताओं की किस्से कहानियाँ अपने में समय चला आ रहा हूँ अनवरत अथक। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका केवल नाम मात्र लेने से मानव जन्म सफल हो जाता है, उन्हीं प्रभु श्री राम की कथा दोहराने, उनके चरित्र का गुणगान करने आया हूँ मैं कालचक्र। गंगा में स्नान कर सब जनकपुरी में आए। जनकपुरी की शोभा देख कर सब मन ही मन हर्ष आए। जनकपुरी की लुभावनी पुष्प वाटिका, वन उपवन, नदी तालाब और नगरी की शोभा दिन हो या रात मन में समा जाने वाली थी। मुनिवर का संदेशा पाकर जनकराज आदर से शीश झुकाए, अगवानी करने को आए। जय श्री राम। गुरु की आज्ञा पाकर राम लखन दोनों भाई नगरी घूमने निकले। उनकी शोभा देखने के लिए सारी जनकपुरी उमड़ पड़ी। पुष्प वाटिकाएं देखते देखते सहसा राम और सीता के नयन एक दूसरे से मिले, जैसे मानो दोनों के मन की क्यारियां खिलखिला उठी। सीता को राम और राम को सीता भा गए। ऐसा लगा मानो अब तो विधाता ने भी दोनों के मधुर मिलन की तैयारी करना शुरू कर दिया। स्वयंवर से पहले के दोनों के मिलन की ये तैयारी थी। विधि ने दोनों को मिला दिया। जय श्री राम। सीता के स्वयंवर में देवता, राजा, दैत्य और अनेकों वीर आए, लेकिन जो शिव धनुष की पतंजा चढ़ाएगा उसे ही सीता वरेगी, और फूलों से सज्जित वरमाला उसी वीर के गले धरेगी। रावण सहित सभी वीर जब धनुष को हिला तक नहीं सके तो जनकराज निराश होकर गरज पड़े, जय श्री राम। आग बबूले होकर जनकराज कहते हैं कि क्या सारी धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है, किसी में साहस नहीं रहा। लक्ष्मण यह बातें सुनकर क्रोधित हो गए। जनकराज को प्रत्युत्तर देने लगे। श्री राम ने लखन को शांत कराया और राम खुद धनुष तोड़ने को आए। श्री राम के लिए धनुष जैसे खिलौना हो। धनुष उठाया और पतंजा चढ़ाने लगे। धनुष टूटा और राजा की सभा में जय जयकार गूंज उठी, जय श्री राम। सीता जयमाला करने आई, कुछ सकुचाई, शर्माई सी, लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न थी। राम भी मन ही मन मुस्काए। राम और सीता की आंखों में खुशियों का संसार था, लेकिन जिह्वा से शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों ने वरमाला पहनाई, विधाता ने खूब जोड़ी बनाई, गगन से पुष्प वर्षा होने लगी। जय श्री राम।